एमपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, समाज और सरकार मिलकर जब एकजुट होकर काम करेंगे, इससे नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसी भाव को लेकर अपने कार्य क्षेत्र के 140 युवाओं को इंटर्नशिप कराकर तैयार कर रहे हैं, ताकि वे समाज का भला कर सके। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम ऐसे 1,00,000 युवाओं को तैयार करेंगे जिनकी राजनीति पृष्ठभूमि नहीं। इस कार्य क्षेत्र में मेरी एक छोटी सी पहल है, इन युवाओं को इंटरसेप्ट देकर समाज सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर समाज और सरकार मिलकर एकजुट होकर कार्य करेगी तो इससे नागरिकों को लाभ होगा। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा, यह युवक जो कार्य करेंगे यह केवल सेवा के भाव से है, इन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा लेकिन खर्च के पैसे जरूर दिए जाएंगे। मेरे मन में ऐसा था कि जो युवा शक्ति है उसको समाज की सेवा के लिए लगा जाए, और समाज और सरकार जब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे। उसी दिशा में ये मैंने एक योजना बनाई है कि जो हमारे ऐसे नौजवान हैं जो सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहते हैं उनको अवसर प्राप्त हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लाल किले की प्राचीर से बोला था कि ऐसे 1,00,000 नवयुवक हम तैयार करेंगे जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हों जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, और ऐसे नवयुवकों को भी तैयार करने की दिशा में जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्वप्न देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये इंटर्नशिप भी उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।